नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी सीटेट.nic.in पर शिक्षण पेशे के लिए सीटेट 2022 अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों के अनुसार सीटेट 2022 आवेदन पत्र अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, यानी जो अगस्त मंथ चल रहा है इसी के फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन आज जो है 5 अगस्त तक हो गए और अभी तक नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया गया है। सीटेट 2022 परीक्षा सितंबर अक्टूबर के लिए निर्धारित है। सीटेट 2022 परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जो है आधिकारिक पोर्टल से यानी सीटेट.nic.in से ऑनलाइन सीटेट 2022 आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार सीटेट जुलाई 2022 के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवारों को यह जानने की ज़रूरत है कि सीटेट 2022 साल में दो बार आयोजित किया जाता है और 2022 अगस्त में रिलीज होने के लिए तैयार है। CBSE ने अब सीटेट अधिसूचना 2022 की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। उम्मीदवारों को यह जानना आवश्यक है कि सीटेट 2022 परीक्षा में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पेपर फर्स्ट और जूनियर कक्षाओं के लिए पेपर सेकेंड है। सीटेट.nic.in जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022 की प्रक्रिया का पूरा विवरण आपको बताया गया है। ये सभी जो है फॉर्म आने के बाद आपको बताया जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर वन और पेपर टू के लिए कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। गाइज, यहाँ पे जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, जो भी लोग सीटेट में अगर चाहते हैं तो प्राथमिक स्तर के चरण के लिए पात्रता मानदंड, उम्मीदवारों को पहले भारत के किसी भी बोर्ड से अपनी 12वीं की कक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। उसके बाद उसे परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जब उम्मीदवार इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो प्राथमिक कक्षाओं यानी ठीक है कक्षा फोर्थ में शिक्षण के लिए पात्र होंगे, ठीक है गाइड। इसके साथ ही उम्मीदवारों को बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd की भी आवश्यकता होती है और डिप्लोमा भी आवश्यक है। पात्रता मानदंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है CBSE की ऑफिशियल जो है सीटेट पात्रता मानदंड 2022 के लिए नोटिफिकेशन को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ये यहाँ पे 5 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे 6 से 8 तक की जो है प्रारंभिक चरण होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे दोनों का शुल्क आप देख सकते हैं, टोटल 1200 रुपये अगर दोनों पेपर आप भरते हो तो। यहाँ पे अगस्त में शुरू होने वाला है रजिस्ट्रेशन। बस मैं आपको ये बता कैसे भरना है आप सभी को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।